नमस्कार, जराहट के हिंदी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। देवउठनी एकादशी, आज हम बताते हैं देवउठनी एकादशी आखिर क्यों मनाई जाती है और देवउठनी एकादशी सबसे खास क्यों होती है। सभी एकादशियों में देवउठनी एकादशी क्यों महत्वपूर्ण है, इसके पीछे के क्या क्या रहस्य हैं, आइए जानते हैं विस्तार से। हिंदू धर्म ग्रंथों में कार्तिक शुक्ल एकादशी को देव जागरण का पर्व मनाया गया है। इस दिन श्री हरि जाग जाते हैं। इस पावन तिथि को देव उठनी ग्यारस या देव प्रबोधनी एकादशी कहा जाता है। इस बार यह एकादशी 8 नवंबर को है। चार महीने से विराम में लगे हुए मांगलिक कार्य भी इस दिन से शुरू हो जाते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार भगवान विष्णु ने शंखासुर नामक भयंकर राक्षस का वध किया था और फिर अषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी जिसे हरिशयनी एकादशी कहते हैं को क्षीर सागर में श्री हरि ने शेषनाग की सैया पर शयन किया। चार मास की योग निद्रा त्यागने के बाद भगवान विष्णु के जागने का तात्पर्य है कि चार मास में स्वाध्याय पूजा अर्चना से अर्जित ऊर्जा को हम सत्कर्मों में बदल दें ताकि हमारे सद्गुणों का प्रभाव हमारे जीवन में दिखे। पंच भीखा व्रत, कार्तिक पंच तीर्थ महास्नान भी इसी दिन से शुरू होकर कार्तिक पूर्णिमा तक चलता है। पूरे महीने कार्तिक स्नान करने वाले लोगों के लिए एकादशी तिथि से पंच भीखा व्रत का प्रारंभ होता है जो 5 दिन तक निराहार निर्जल रहकर किया जाता है। यह धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति के लिए किया जाता है। पद्म पुराण में वर्णित एकादशी महात्म्य के अनुसार देवोत्थान एकादशी का व्रत फल देवोत्थान एकादशी व्रत का फल 1000 अश्वमेघ यज्ञ और 100 राजसूय यज्ञ के बराबर होता है। एकादशी तिथि का उपवास बुद्धिमान शांति प्रदाता व सततदायक है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान व भगवान विष्णु के पूजन का विशेष महत्व है। इस व्रत को करने से जन्म जन्म जन्मांतर के पाप क्षीण हो जाते हैं तथा जन्म मरण के चक्र से व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है। देव उठनी एकादशी की पूजा विधि किस प्रकार से करनी है। इस दिन सायंकाल में पूजा स्थल को साफ सुथरा कर लेना चाहिए। चूना व गेरू से श्री हरि के जागरण के स्वागत में रंगोली बनानी चाहिए। घी के 11 दीपक देवताओं के निमित्त जलाएं। द्राक्ष ईख यानी गन्ना अनार केला सिंघाड़ा लड्डू पतासे मूली आदि ऋतु फल एवं नवीन धान इत्यादि पूजा सामग्री के साथ जरूर रखें। यह सब चीज श्रद्धा पूर्वक श्री हरि को अर्पण करने से उनकी कृपा सदैव बनी रहती है। और इसके बाद मंत्रोच्चार स्रोत पाठ शंख घंटा ध्वनि एवं भजन कीर्तन द्वारा देवों को जगाने का विधान शुरू होता है। भगवान को जगाने के लिए आप शुद्ध उच्चारण करें मंत्रों का, नहीं तो आप यह बोल सकते हैं उठो देवा बैठो देवा, यह कहकर आप श्री नारायण को उठाएं। श्री हरि को जगाने के पश्चात उनकी षोडोपचार विधि से पूजा करें। सुख सौभाग्य में वृद्धि के लिए प्रभु का चरणामृत अवश्य ग्रहण करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि चरणामृत सभी रोगों का नाश कर अकाल मृत्यु से व्यक्ति की रक्षा करता है, सभी कष्टों का निवारण करता है। देवोत्थानी एकादशी के दिन विष्णु स्तुति सलीग्राम व तुलसी महिमा का पाठ व व्रत रखना चाहिए। विष्णु पुराण के अनुसार किसी भी कारण से चाहे लोभ के वशीभूत होकर या मोह के कारण जो एकादशी तिथि को भगवान विष्णु का अभिनंदन करते हैं वे समस्त दुखों से मुक्त होकर जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। आखिर सोते जागते क्यों है श्री हरि, इसके पीछे क्या कारण है। एक बार भगवान विष्णु से उनकी प्रिया लक्ष्मी जी ने आग्रह भाव में कहा, हे प्रभु आप दिन रात जागते हैं लेकिन जब आप सोते हैं तो फिर कई वर्षों के लिए सो जाते हैं, ऐसे में समस्त प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाता है, इसलिए आप नियम से ही विश्राम किया कीजिए, आपके ऐसा करने से मुझे भी कुछ समय आराम मिलेगा। लक्ष्मी जी की बात सुनकर नारायण मुस्कुराए और बोले, देवी तुमने उचित कहा, मेरे जागने से सभी देवों और खासकर तुम्हें मेरी सेवा में रहने के कारण विश्राम नहीं मिलता है, इसलिए आज से मैं हर वर्ष 4 मास वर्षा ऋतु में शयन किया करूँगा। मेरी यह निद्रा अल्प निद्रा यानी योग निद्रा कहलाएगी जो मेरे भक्तों के लिए परम कल्याणकारी रहेगी। इस दौरान जो भी भक्त
मेरे शयन की भावना कर, मेरी सेवा करेंगे। मैं उनके घर तुम्हारे सहित सदैव निवास करूंगा। इसलिए श्री हरि 4 महीने के लिए सोने लगे। तुलसी और सलीग्राम का विवाह। कार्तिक में स्नान करने वाली स्त्रियां एकादशी को भगवान विष्णु के स्वरूप सलीग्राम एवं विष्णु प्रिया तुलसी का विवाह संपन्न करवाती हैं। पूर्ण रीति रिवाज से तुलसी वृक्ष सलीग्राम के फेरे एक सुंदर मंडप के नीचे किए जाते हैं। विवाह में कई गीत भजन तुलसी नामाष्टक सहित विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ किए जाने का विधान है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी सलीग्राम विवाह कराने से पुण्य की प्राप्ति होती है, दाम्पत्य जीवन में प्रेम बना रहता है। कार्तिक मास में तुलसी रूपी दान से बढ़कर कोई दान नहीं है। पृथ्वी लोक में देवी तुलसी 8 नामों वृंदावनी वृंदा विश्व पूजिता विश्व पावनी पुष्प सारा नंदिनी कृष्ण जीविनी और तुलसी नाम से प्रसिद्ध हुई हैं। श्री हरि के भोग में तुलसी दल का होना अनिवार्य है। भगवान की माला और चरणों में तुलसी चढ़ाई जाती है। तो आज हमने जाना देव उठनी एकादशी आखिर क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे क्या क्या कारण है। तो हमें उम्मीद है कि आज की वीडियो को काफ़ी पसंद आई होगी। यदि आज की वीडियो को पसंद आई हो तो आप इसको अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।